बोरीवली वेस्ट में बनेगा शानदार अहिर भवन, मालदेव भाई का बयान। श्री अहिर सेवा समाज मुंबई के बोरीवली पश्चिम में अहिर भवन बनाने की तैयारी कर रहा है। ये बड़ा आलीशान भवन होगा जिसमें समाज के लिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस विषय की जानकारी श्री अहिर सेवा समाज के पूर्व अध्यक्ष मालदेव भाई वानी ने दी। अहिर सेवा समाज का उद्देश्य सामाजिक संगठन का था, सबको साथ में रख के आगे विकास करने का था। और पहले हमारा समाज शिक्षित नहीं था, अभी शिक्षित भी है और समाज का काम करने में पूरे समाज उत्साह में है। और जब भी ये समाज का स्थापना किया तभी बहुत बस्ती बहुत कम थी, इधर 40-50 रूम थी। मेरे साथ में श्री बच्चू भाई और धर्मेश भाई डुआ, मधुकांत भाई कलसरिया, मतलब जो भी ट्रस्टी है, ट्रस्टी लोग है, वो सब ने मिल के समाज खड़ा किया है और सबका साथ सरकार है। हमारी अलग अलग शाखाएँ है मुंबई में, सब शाखाओं को साथ में करके विलीनीकरण करके ये समाज की स्थापना किया। ये समाज का हेतु आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजकीय विकास करने का है। इस भवन की फाइल किस स्थिति में है, इसका आर्किटेक्ट किस तरह का होगा, इस विषय की जानकारी श्री अहिर सेवा समाज के अध्यक्ष राजेंद्र अहिर ने दी। ये एक बड़ा संयोग ही है कि राजेंद्र जी स्वयं एक अच्छे आर्किटेक्ट भी हैं। ये जो जमीन थी जो श्री अहिर सेवा समाज, उसमें मालदेव भाई बानी है, फिर मेरे पिताजी बच्चू भाई, जीवन भाई अहिर है, फिर बाबू भाई सूरा है और धर्मेश भाई दुआ है, फिर कल्याण भाई डांगर है वगैरह, 10 से 12 ट्रस्टियों ने मिल के, मधुकांत भाई कलसरिया है, और सब लोग ने मिल के ये ज़मीन परचेस की है। तो ज़मीन परचेस करने के बाद हमारे पास कुछ बहुत सी कठिनाई आई। कठिनाई जैसे कि ये जो ज़मीन पर हमारी फार्मिंग लैंड थी, तो फार्मिंग लैंड में हमारे पास 7-12 नहीं था, तो 7-12 क्लियर करते करते हमको 4 साल निकल गए। क्योंकि फिर हम लोग ने गवर्नमेंट को बोला कि हम लोग पूरे अहिर समाज है, यादव समाज है, हम लोग खेती करते हैं गुजरात में, तो यही ज़मीन हमको खेती के हिसाब से हमको फार्मिंग लैंड अलॉट, यानी हमको परमिशन दे दे, तो वो परमिशन करके हमारे नाम पे कर लिया। क्योंकि नहीं तो एनए नहीं रहता है, तो वो लोग 7-12 पे नाम नहीं चढ़ाते, तो हम लोग सब खेडूत होने के हिसाब से हमारा नाम चढ़ा दिया। अभी 2034 का नया जो DP आया है, हमारा उद्देश्य क्या था कि हमारा अहिर भवन बनाना, हमारा कम्युनिटी सेंटर खोलना, और जो बाहर गांव से हमारे जो अहिर के गेस्ट आते हैं गुजरात से, तो उनको इधर रहने की सुविधा में दर दर भटकना पड़ता है। फिर मेडिकल के लिए कोई आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, और जो हमारे बच्चे लोग अभी बड़े होने लगे, उनका शादी ब्याह का जो फंक्शन रहता है वो हमको अरेंज करने में कठिनाई होती है, तो इसलिए हम लोग जो भवन बनाएंगे। वृंदावन वाटिका लिंक रोड योगी टावर के पास बोरीवली पश्चिम में हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पूरे भक्तिभाव और धूमधाम से मनाया जाता है। इस महोत्सव की एक विशेषता ये भी है कि इसके आयोजन की पूरी जिम्मेदारी पिछले 11 सालों से श्री अहिर सेवा समाज ने अपने युवा संगठन श्री अहिर युवक मंडल मुंबई को दी है। हमारा ये जो अहिर युवक मंडल है वो पहले अहिर सेवा समाज का अंडर में 11वां साल से ये अपना प्रोग्राम चल रहा है। इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम है, डायरे का ये है, उससे जो भी हमारा युवा सब है, युवा कार्यकर्ताओं का सबका जो जोम बढ़ता है और समाज को कैसे तरह हम लोग युवा सब अभी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, और हमारा वडील सब जो भी है उनके गाइडेंस के नीचे कैसे हमको आगे आने का है, यह है वो सब हम लोग अभी सामने करके हमारा सब एक साथ में जुड़ के ये करके सब हमारा समाज का है, अलग अलग जो पेटा ज्ञाती है सब एक साथ में मिल के हम लोग सब अपना युवक मंडल का और ये सब प्रोग्राम करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में यादव समाज की बड़ी हस्तियां, जिसमें अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट किलाचंद यादव, ग्लोबल यादव कम्युनिटी एसोसिएशन के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जीत नारायण यादव और उनकी धर्मपत्नी
डॉक्टर ज्ञानती यादव के साथ ही यदकुल शिरोमणि कैलेंडर के संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र यादव भी मौजूद थे। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विषय पर डॉक्टर जीत नारायण यादव ने कहा कि श्रीकृष्ण से पहले जितने भी धर्म आए उसमें मायूसी थी, हंसी खुशी नदारत, लेकिन श्रीकृष्ण के आने के बाद धर्म हंसता हुआ नजर आने लगा। श्रीकृष्ण से पहले जितने धर्म थे सब बड़े दुखी धर्म हुए। कोई भी धर्म आप देख लीजिए उसमें कोई हंसता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन श्रीकृष्ण के बाद धर्म हंसता हुआ नजर आता है। इसलिए यादव समाज के लोगों ने ऐसे धर्म को स्थापित करने का जो बीड़ा उठाया है, तो मुझे लगता है कि इस समाज में लोग दिल से हंसेंगे जिससे वो स्वस्थ होंगे, और जब स्वस्थ होंगे तो समाज में शक्ति बढ़ेगी, और शक्ति से शक्ति का समझौता हो जाएगा, तो जब शक्ति यादव समाज की बढ़ जाएगी और समग्र यादव जब जुड़ करके एक शक्ति के रूप में आएंगे, तो मुझे लगता है कि इस धरती पर शांति व्यवस्था स्थापित होगी, जो श्री कृष्ण का उद्देश्य था। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि गीता में सबसे सुंदर श्लोक 700 श्लोक में सबसे सुंदर बात जो अर्जुन ने कही, अध्याय नंबर 11 में विश्व रूप दर्शन योग में श्री कृष्ण को बहुत मना रहे हैं, बड़ा निवेदन करते हैं, वंदना करते हैं। अंततः एक श्लोक में वंदना करते हुए कहते हैं कि सखेति मत्वा प्रशुभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। मुझे लगता है कि इस संबोधन के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को जो कुछ भी कहा है, पहले भगवान के बारे में जो कुछ भी समझा है, चाहे वो ये हो कि वो भगवान मनुष्य थे, हमारे मित्र थे, हमारे दोस्त थे, हमारे साथी थे, ये समग्र चीज़ को श्री कृष्ण भगवान ने माफ़ कर दिया है। तो मुझे लगता है ऐसा देव जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, अगर हम लोगों में किसी भी तरह के विकार विकृति होगी, तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण भगवान, अगर हम इसी तरह सतत उनकी जन्माष्टमी के दिन पर उनको याद करते रहेंगे या त्यौहार के और अवसरों पर याद करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि यादव समाज का विकास निश्चित है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट कलाचंद यादव ने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 23 करोड़ यादव हैं, लेकिन भाषा की वजह से वो एक दूसरे से दूर है। मैं यादव महासभा के द्वारा इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक मुहिम चलाना शुरू किया है मुंबई से पूरे देश के लिए कि ये जो 23 करोड़ यादव इस देश में रहता है, इसमें से 8 करोड़ हिंदी भाषी है, 15 करोड़ गैर हिंदी भाषी है। हम बम्बई में रहते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन हम गुजराती यादव को नहीं जानते, हम मराठी यादव को नहीं पहचान पाते। मैं सूरत में जाता हूँ तो हिंदी भाषी यादव मुझे मिलता है, गुजरात यादव नहीं मिल पाता है। मैं हैदराबाद में जाता हूँ तेलुगु जो भाषा बोलने वाला यादव उससे भेंट नहीं हो पाती। ये बिखरे हुए समाज को जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मुझे गुजरात का हिर समाज, जो यादव समाज जहाँ मैं आज आया हुआ, उनसे मालदेव भाई राजेंद्र जी हैं, गोविंद जी हैं, इनका बड़ा मैं आभारी हूँ कि इन्होंने इसमें पहला कदम उठाया, जो हमारे जैसे लोगों को बुला के यहाँ पे आमंत्रित किया है। मुझे समझना चाहिए, मैं समझने यहाँ आया हूँ कि हमारे समाज के लोग किस ढंग से मिलजुल सकते हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्था किया जाए कि 23 करोड़ का जो यादव इस देश में रहता है वो एक साथ कैसे रह सकता है। सारा सबका सब कृष्ण को मानने वाला, उत्तर में जाओ मथुरा में कृष्ण है, दक्षिण में जाओ तो ये जो पूरा तमिलनाडु जो है कृष्ण से भरा हुआ है, आपके बालाजी भी कृष्ण हैं, आप पूरब जाइए तो जगन्नाथपुरी पूरी वो भी कृष्ण है, पश्चिम में आओ तो द्वारका में भी कृष्ण है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भगवान श्री कृष्ण तो भारत की एकता के देवता है। 24 अगस्त शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुओं ने अपनी पसंद के भजन पर नोटों की बारिश करके श्री अहिर सेवा समाज ट्रस्ट को आर्थिक रूप से मदद भी की। डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।